हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 9 आवर कल्चर एंड हेरिटेज के साथ मैं संदीप कुमार सिंह एक बार फिर एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया हैज़ अ कल्चर दैट इज थाउजेंड ऑफ ईयर्स ओल्ड। भारत का जो कल्चर की बात करें तो वो हजारों साल पुराना है। The set of customs, practices and traditions shared by society or groups, group of people is called their culture. अब यहाँ पर कल्चर की जो डिफिनेशन दिया गया है फिर से हम देखेंगे। The set of customs, practices and traditions shared by society in a group called their custom. यानी कोई भी चीज़, जैसे कस्टम मीन्स क्या होता है, हमारे जो रीति रिवाज होते हैं, जैसे त्यौहारों में जो हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं वो हमारे जो है रीति रिवाज में आते हैं। प्रैक्टिस हमारे जो कार्य हैं, कुछ व्यक्तिगत जो कार्य होते हैं उसको हम प्रैक्टिस बोलते हैं। एंड ट्रेडिशन हमारी परंपराएँ जो है, ये हमारी ये ट्रेडिशन कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं मिलकर के? कल्चर, संस्कृति कहलाते हैं। कल्चर इंक्लूड्स द फूड वी ईट, द क्लोथ्स वी वियर, द फेस्टिवल वी सेलिब्रेट, आवर बिलीव्स, आवर म्यूजिक, आवर आर्ट एंड द लैंग्वेज वी स्पीक। कल्चर का अगर हम एरिया देखें तो ये बहुत ही अब्रॉड है। इसमें लगभग सारी चीज़ें आती हैं, हमारे लाइफ से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आते हैं। जैसे कि फूड वी ईट, यानी जो हम भोजन करते हैं, द क्लोथ्स वी वियर कल्चर का हिस्सा है, कि जो हम कपड़े पहनते हैं वो भी हमारी कल्चर का एक हिस्सा है। फेस्टिवल वी सेलिब्रेट, जो त्यौहार मनाते हैं वो भी हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। एंड आवर बिलीव्स, म्यूजिक, आवर आर्ट एंड लैंग्वेज, जो भाषाएं, आर्ट्स या जो भी चीज़ें हैं हमारे से संबंधित, ये सभी क्या है, या लैंग्वेज जो भी हैं, हेरिटेज हैं। अब आते हैं हेरिटेज क्या है। हेरिटेज मीन्स समथिंग स्पेशल दैट पास्ड ऑन टू अस फ्रॉम आवर एनसेंटर्स। एनसेंटर्स मीन्स क्या होते हैं, हमारे पूर्वज। जो स्पेशल चीज़ें हैं जो हमसे पास होकर के हमारे पास आई, इसको हम क्या बोलते हैं, हेरिटेज बोलते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ आवर कल्चरल हेरिटेज में हम देखेंगे मॉन्यूमेंट्स, लिटरेचर, आर्ट एंड ये जो है सभी हमें जो अपने पूर्वजों से मिले उसको हम क्या बोलते हैं, कल्चरल हेरिटेज बोलते हैं। दूसरा जो टाइप्स है वो नेचुरल हेरिटेज, इसके अंतर्गत यूनिक लैंडफॉर्म, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ कंट्री, यानी जो भूमि की बनावट है, जीव जंतु जो पाए जाते हैं या जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, वो सभी हमारे देश की क्या है, कल्चरल हेरिटेज है। नेचुरल स्पेसेस लाइक नंदा देवी नेशनल पार्क, जो कुछ प्रजातियां जैसे कि नंदा देवी पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइक काजीरंगा नेशनल पार्क आर आवर नेचुरल हेरिटेज। ये सब क्या है, हमारे नेचुरल हेरिटेज हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय वॉज फेमस फ्रीडम फाइटर एंड सोशल रिफॉर्मर, बट शी इज़ बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टूअर्ड्स द प्रिजर्विंग इंडियन आर्ट एंड कल्चर। कमला चट्टोपाध्याय जो थी वो एक फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी थी, लेकिन उन्होंने हमारे देश के कल्चर को सुदृढ़ करने के लिए, उनके योगदान के लिए उनको जाना जाता है। सी स्टार्टेड सेवरल इंस्टीट्यूट सच एज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उन्होंने कई चीज़ें शुरू किया, जैसे कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया एंड संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी जो आजकल लोगों को
अभिनय करने की ट्रेनिंग देता है, एक्टिंग करने की ट्रेनिंग देता है। इस संगीत नाटक अकादमी की जो फाउंडर हैं वो कौन है? कमला देवी चट्टोपाध्याय। द मेन एम ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इज एनकरेज एंड प्रोटेक्ट इंडियन क्राफ्ट पीपल एंड आर्टिस्ट। इनका ये उद्देश्य था कि इनके द्वारा जो भी कला है उस कला का संरक्षण भारतीयों द्वारा हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज। हमें हेरिटेज और कल्चर दोनों के बारे में जानना जरूरी है। कल्चर और हेरिटेज दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हमें दोनों ही चीज़ें पूर्वजों से मिला हुआ है, एंसेंटर्स से मिला हुआ है। इट गिव्स अस एन आइडेंटिटी। ये इसलिए ज़रूरी है कि इससे हमारी पहचान बनी है। इट टेल अस हु वी आर। ये हमें बताता है कि हम क्या हैं एंड वेयर वी कम फ्राम, और हम कहाँ से आए हैं, यानी हमारी उत्पत्ति कहाँ से है, ये हमारे कल्चर के द्वारा पता चल जाता है। एंड इट इज ऑल्सो गिव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। साथ ही साथ हम किस चीज़ से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं, वो हमारा इससे पता चल जाता है। वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द रिच डाइवर्सिटी ऑफ फूड क्लोदिंग एंड फेस्टिवल इन इंडिया। हमारे यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी है, जैसे कि फूड में, क्लोथ्स में, फेस्टिवल्स में। इन दिस लेसन वी विल डिस्कस अदर अपर एस्पेक्ट्स इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। इसके में हम देखेंगे कि कुछ और कल्चरल और हेरिटेज के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं आवर लैंग्वेज, हमारी भाषाएँ। वैसे तो भारत बहुत बड़ा देश है, लेकिन भारत में अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती हैं। लगभग 250 के करीब भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन भारत में कुछ मेन भाषाओं को स्थान प्राप्त है। तो देखते हैं, इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ मेनी लैंग्वेजेस। वी हैव 22 मेजर एंड मेनी मोर इंडियन लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दीज वी ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन 22 मुख्य भाषाओं को भारतीय भाषा माना गया है, और इसमें से कुछ और भी भाषाएं हैं। इसके अलावा हम अंग्रेजी भी बोलते हैं। जो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोकनी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु और उर्दू। ये जो है 22 भाषाओं को हमारे संविधान में जगह मिला हुआ है। ये 22 भाषाएं जो है मुख्य रूप से भारत में बोली जाती हैं। सिंस इंडियन स्पीक इन सो मैनी डिफरेंट लैंग्वेज। इसके अलावा भी बहुत सारी भाषाएं भारतीयों द्वारा बोली जाती है। वी नीड अ कॉमन लैंग्वेज। हम एक कॉमन लैंग्वेज जो है सर्वमान्य भाषा का चुनाव करते हैं, इन विच वी कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर, जिससे कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, बातचीत कर सकें। फॉर दिस पर्पज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही डिज़ाइन हिंदी एंड इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो इसलिए संविधान ने भारत में 2 मुख्य भाषाओं को, अंग्रेजी और हिंदी को, राजकीय भाषा के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज रूप में दिया गया है, जिससे कि सारे कार्य इस भाषाओं के माध्यम से हो सके। संस्कृत इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। संस्कृत जो है भारत की सबसे पुरानी, विश्व की सबसे पुरानी भाषा है। आवर लिटरेचर, हमारी लिटरेचर कौन कौन से हैं? विथ सच वेल्थ लैंग्वेज इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट इंडिया हैज़ अ रिच बॉडी ऑफ रिटन एंड ओरल वर्क। भारत जो है सिर्फ लैंग्वेज में मामले में ही धनी नहीं, बल्कि यहाँ की जो विभिन्न भाषाओं की जो साहित्य है, लिटरेचर है, उसके मामले में भी बहुत सारे उपलब्ध हैं, जैसे कि ओरल में और रिटन में भी। लेट अस लुक सम वर्क्स, और उसमें से कुछ ऐसे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेद, द वेदाज आर बिलीव टू हैव बीन कंपोज अराउंड 3500 ईयर एगो
दे कंटेन हाइम्स सॉन्ग्स प्रेज ऑफ गॉड एंड इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू कंडक्ट रिचुअल्स। वेदाज में क्या है कि वेदाज में ये विश्वास किया जाता है कि ये जो है 3,500 साल पुराने पहले लिखा गया है, इसमें बहुत सारे मंत्रों का रचना किया गया है, साथ ही साथ संगीत का, गानों का, गीतों की रचना की गई है जो ईश्वर की स्तुति गान करते हैं, ईश्वर की आराधना के लिए किए गए हैं। साथ ही साथ इसमें जो क्रियाकलाप रिचुअल्स यानी क्रियाकलाप जो हैं उसको कैसे किया जाना है इसके बारे में विस्तृत चर्चा दी गई है। लैंग्वेज ये संस्कृत में लिखी गई है और आज देखिए इसकी क्या उपयोगिता है। द विजडम एंड वैल्यूज कंटेंट इन वेदास कंटिन्यू टू एनरिच द लाइव्स ऑफ मेनी इंडियंस इवन टूडे। मेनी ऑफ वैदिक प्रेयर्स आर स्टिल चैंटेड बाय मेनी इंडियंस। जो वैल्यू है आज भी हमारे समाज में वो चली आ रही है, आज भी हम कोई भी कर्मकांड करते हैं तो वो सारे मंत्र हम वेदों के ही बोलते हैं, जो भारतीयों के द्वारा जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो सारे मंत्र वेदों के ही होते हैं। इसके बाद देखते हैं रामायण एंड द महाभारत, ये दोनों एपिक्स हैं। दे आर फेमस एपिक्स कंपोज मोर देन 2,500 ईयर एगो, जो 2,500 साल पुराने हैं। द महाभारत इज नोन इज द लॉन्गेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड। महाभारत पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़ा एपिक माना जाता है, महाकाव्य माना जाता है। इसमें 1,00,000 मंत्र कह लीजिए चैंट जो है कंपोज किए गए हैं। ये भी जो भाषा है वो लैंग्वेज संस्कृत ही है। मेनी पीपल इंडियन कंसिडर दिस बुक सेक्रेट, सभी भारतीय इसको पवित्र ग्रंथ के रूप में मानते हैं। द एपिक टीच अस इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग आवर ड्यूटी एंड बीइंग ऑनेस्ट। इसमें ये बताया गया है कि हमें अपने कर्म को ईमानदारी से करना चाहिए और हमें ईमानदारी पूर्वक रहना चाहिए। नेक्स्ट है जो जातक टेल्स मतलब जातक कथाएं जो बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित हैं। दे आर स्टोरीज विथ मोरल कंपोज अराउंड 2,500 ईयर्स एगो, जो 2,500 साल पुराने। दे टॉक अबाउट प्रीवियस लाइफ्स ऑफ गौतम बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में बहुत सारी जातक कथाएं कहानियां की गई हैं। ये जो भाषा है पाली भाषा में है। दीज स्टोरीज कंटिन्यू टू बी रीड एंड बाय चिल्ड्रेन इवन टूडे, आज भी बहुत सारे बच्चों को जो कहानियां प्रेरक कहानियां सुनाई जाती हैं वो जातक कथा से ही सुनाई जाती हैं। दे टीच अस वैल्यू सच एज ऑनेस्टी, वो हमें ईमानदारी दयालुता और यूनिटी एंड लॉयल्टी जिम्मेदारी को भी सिखाते हैं। नेक्स्ट है जो लिटरेचर है संगम लिटरेचर। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल पोएम्स एंड प्लेज कंपोज मोर देन 1500 ईयर्स एगो, जो ये भी एक पोएम यानी कविताओं का एक संग्रह है जो 1500 साल पुरानी है। दे टेल्स अबाउट इन लाइफ इन एंशियंट लैंड ऑफ तमिल, ये तमिल के इतिहास के बारे में बताती हैं और इसकी जो भाषा है वो तमिल है। द वैल्यूज एंड विजडम कंटेंट इन दिस लिटरेचर कंटिन्यू गाइड पीपुल इवन टूडे, ये जो है आज भी इस चीज़ का उपयोग होता है जो इसमें संगम लिटरेचर में लिखा गया है और इस ये जो है तमिल कल्चर को दिखाता है। द अकबरनामा जो मुगलकालीन एक ग्रंथ है, इट डिस्क्राइब लाइफ ऑफ रीजन ऑफ मुगल एम्परर, यानी मुगल एम्परर के बारे में ज़्यादातर वर्णन है इसमें। हु रूल्ड ओवर 400 ईयर अगो, इट टेल हाउ अकबर रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, जिसने में ये बताया गया कि अकबर और लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता था। और इसकी भाषा जो है पर्शियन यानी फारसी भाषा है। इट टीच अस वैल्यू टॉलरेंस एंड इम्पोर्टेंस क्वालिटी टू मेंटेन पीस, और ये जो है टॉलरेंस यानी सहिष्णुता और शांति के साथ रहने के बातों को इससे हमें पता चलता है। इन मॉडर्न टाइम्स वी हैव इम्पोर्टेंट रिटन राइटर्स इन मैनी इंडियन लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल गोवर्धन त्रिपाठी इन गुजराती, पद्मनाथ गोहेन भरूच इन असमीज, सुब्रमण्यम भारती इन तमिल एंड मुंशी प्रेमचंद इन हिंदी एंड उर्दू। ये जो है कुछ अलग अलग भाषाओं के महान कवि हैं जो आज के लिटरेचर यानी आधुनिक लिटरेचर या कह सकते हैं आधुनिक साहित्य के महान
लेखक हैं जैसे गोवर्धन त्रिपाठी और पद्मनाथ गोहेन बरूज और सुब्रमण्यम भारती और मुंशी प्रेमचंद जैसे हिंदी उर्दू के महान कविता हैं, मतलब महान लेखक रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।